ये बारिश भी बड़ी बेईमान होती है, क्योंकि ये हर किसी के लिए एक जैसा पैगाम नहीं लाती। क्योंकि कोई इसे देखकर खुश हो जाता है तो कोई ही कल की फिक्र करने लगता है, कोई इस बारिश की बूंदों में खुशियां ढूंढता है तो कोई फसलों को बर्बाद होने का शोक मनाता है, कोई परिवार के साथ बैठकर जश्न मनाता है तो कोई छत की तलाश में भटकता है, कोई इस बारिश में पकवान के लुप्त उठाता है तो कोई रोजगार ठप हो जाने पर एक दिन और भूखा ही सो जाता है। इसलिए तो ये बारिश का मौसम बड़ा बेईमान होता है, क्योंकि ये हर किसी के लिए एक जैसा पैगाम नहीं लाता। ये किसी के घर में खुशियां लाता है तो किसी के घर में सिर्फ कल की फिक्र।